गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सिक्स क्लास हम कर रहे थे लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। सो हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ल्यूमिनियस की डेफिनेशंस भी कल करे थे। तो आज एक एक्टिविटी बताई गई है आपको, जरा इसको देखिए। पेज नंबर 107। तो लिसन दिस केयरफुली एंड ओके बेटा, लिसन केयरफुली। लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी एज ऑब्जेक्ट्स यू कैन। इरेजर, प्लास्टिक, स्केल्स, पेंसिल, पैन, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ड्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लोथ्स Try to look at some things for far away. Through each of these objects, is light from a far object able to travel to your eyes through any of the objects? Okay, कुछ objects collect करने के लिए बोला गया है बच्चे यहाँ पे, जैसे pen, pencil, notebook, cardboard, single sheet, ड्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लोथ। ये सारी चीज़ अपने पास रखिए और इसमें से देखिए कि आपको आर पार दिखाई देता है या नहीं देता, ठीक है। ओके बेटा, ये आपको दिखाई देता है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है और इसमें से देखना है कि आपको क्या दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन द टेबल 11.1। और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड के लिए 11.1 फिगर के अंदर कि आपको किसी में से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई देता। ओके बेटा, ओके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एंड इस रिकॉर्ड्स को अपने टेबल ये दिखा रखे, इस टेबल में आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको किस चीज़ में से आर पार दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, लूसेंट है या ओपेक है, ठीक है बेटा। मैंने बताई थी आपको ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, लूसेंट किसे कहते हैं और पैक कैसे किसे कहते हैं। ओके, अब है 11.2। व्हाट एक्चुअली आर शेडो, एक्चुअली में शेडो होती क्या है। ओके, एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द पैक ऑब्जेक्ट्स इन द लाइट, सनलाइट, स्लाइटली अबव द ग्राउंड। What do you see on the ground? You know that the dark patches from the edge of the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify that objects by looking at these shadows. तो आप क्या देखते हो कि आपको जब आप चीज़ें लेोगे, कुछ ओपैक चीज़ें लेनी है, ओपैक का पता है ना, जिसमें से आर पार दिखाई नहीं देता, उनको ओपैक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो हमने ओपैक ऑब्जेक्ट लेने और हमने ये देखना है, लाइट में आप उन्हें देखिएगा तो एक परछाई सी दिखाई देती है आपको, ठीक है, ब्लैक शेडो सी दिखाई, ब्लैक एक कुछ ब्लैक दिखाई देगा, तो उस ब्लैक चीज़ को ही शेडो बोला जाता है। ओके, उस ब्लैक चीज़ को शेडो बोला जाएगा। आपकी बुक में फिगर 11.2 में शेडो दिखाई गई है। ओके, बुक में 11.2 में देखे शेडो। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलर ऑब्जेक्ट ओपैक ऑब्जेक्ट्स एट सम हाइट। सो व्हाट इज शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड अबव। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सिमिलर वे। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द आउटलाइंस ऑफ द शेडो, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर द एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। तो आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, एक पेपर लेना है और उसकी शेडो बनानी है, ठीक है, उसको फिर आपने निशान लगा लेना है, आउटलाइंस लगानी है उस शेडो की। तो आपने देखना है कि वो एक्चुअली में शेडो उस, फिर बाद में जिसकी भी वो आपने शेडो बनाई है, जैसे पेपर की शेडो बना रहे हो तो पेपर उसके ऊपर रखकर एक्चुअली में देखना कि सेम है या नहीं,
नहीं, कई बार शेडो छोटी होती है, कई बार शेडो बड़ी होती है, ठीक है। वो छोटी बड़ी होने का भी रीजन क्या होता है, सन डिपेंड करता है कि सन की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। ओके, डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। शेडो आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगी, जहाँ पर लाइट होगी, डार्क रूम में आपको कभी भी शेडो दिखाई नहीं देगी। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज अ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स। क्या आप देख सकते हो कि कहीं पे कुछ भी नहीं है और लाइट ऑफ शेडो आपको दिखाई देगी या नहीं देगी, आपने ये देखना है, ठीक है। लाइट ऑफ शेडो आपको दिखाई देगी या नहीं देगी, आपने इसको देखना है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। देयर इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। क्या यहाँ पर और कुछ दिखाई दे सकता है, किस केस में, अगर कोई क्या है, इट सीम्स दैट नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट है वहाँ पर, ठीक है, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी है आपके पास, तो आपको क्या शेडो दिखाई देगी या नहीं देगी, आप ये बताइए, दिखाई देगी, ठीक है। लाइट में आप अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसकी शेडो दिखाई देती है। ओके, एक्टिविटी थ्री, अब एक्टिविटी थ्री देखिए बुक में। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम। ये भी आपने एक डार्क रूम में ही देखना, ठीक है। देयर इन द इवनिंग गो आउट इन द इन एन ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में आप शाम को जाएं, ठीक है, विद अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स के साथ। टेक अ टॉर्च एंड अ लाइट शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। लाइट भी होने चाहिए साथ में, शीट ऑफ कार्डबोर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। एक कार्डबोर्ड गत्ता भी अपने साथ ले लो और लाइट भी ले लो अपने साथ। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, होल्ड द टॉर्च एल्स टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन द ऑन योर फ्रेंड्स फेस। अब तुम लाइट डालो, देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, पिक्चर नंबर आपकी फिगर नंबर 11.3 में है कि आप एक बच्चा है और आ रहा है और पीछे एक कार्डबोर्ड लिया है किसी ने और आप उस पर लाइट मार रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, उस कार्डबोर्ड पे उस बच्चे की क्या बन जाती है, शेडो बन जाएगी। इफ देयर वर नो ट्रीज बिल्डिंग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड यू योर फ्रेंड वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड्स। क्या आपके आस पास कोई चीज नहीं है तो क्या आपको वो शेडो दिखाई देगी उस बच्चे की, हाँ जी दिखाई देगी। देयर दिस डज नॉट मीन्स That there is no shadow. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर और कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर तो shadow भी नहीं होगी, shadow बनेगी, ठीक है। After all, the light from the torch is not able to pass through the body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? अब आप देखोगे कि लाइट मारी गई है और एक बच्चा बीच में खड़ा है, उसके सामने से लाइट लगेगी और पीछे आपने क्या पकड़ा है, कार्डबोर्ड, तो उस बच्चे की शेडो कहाँ जाके बनेगी, कार्डबोर्ड के ऊपर बनेगी। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड यू योर फ्रेंड। इज़ द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। अब कार्डबोर्ड शीट पर शेडो दिखाई देगी। Thus the shadow can be seen only on the screen. इसका मतलब कोई स्क्रीन होएगी तभी शेडो बनती है, अदरवाइज शेडो नहीं बनेगी। अब बेटा आप ऐसे जा रहे और आपको ऐसे बिल्कुल ये खाली जगह, इसमें शेडो नहीं बनती, शेडो कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, नीचे ही तो दिखाई देगी, तो उसके लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसपे वो बने शेडो, ठीक है। शेडो बनने के लिए कोई चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, या तो वो दीवार हो या रूम हो, रूम की दीवार हो या फिर फर्श नीचे का ग्राउंड हो, उन पे जाके शेडो बनती है।
ठीक है. दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन द स्क्रीन द ग्राउंड द वॉल ऑफ अ रूम अ बिल्डिंग और द अदर सच सरफेस ऑफ अ स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ. अब तुम्हें रोज की रोज अपनी एवरीडे लाइफ में देखते होगे कि हमेशा शेडो किस पे बनती है, किसी चीज के ऊपर ही बनती है, या तो दीवार पे या नीचे या ऊपर कहीं शेडो बनेगी, लेकिन बीच में खाली स्पेस है वहां पर कभी भी शेडो बनती नहीं है. ओके. शेडो गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. और शेडो से ही आपको क्या पता चलता है ऑब्जेक्ट किस हिसाब का है. आपने ऑब्जेक्ट देखा नहीं है लेकिन उसकी शेडो बन रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इस तरह की शेडो है तो इस तरह की पिक्चर होगी, उसकी शेडो है. ठीक है, शेप्स पता चल सकता है. समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलैंड्स अस अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ओके. फिगर 11.4 आर अ फ्यू शेडोज that you can create in your hand and make believes that they are shadow of different animals. Have fun. अब अपने हाथ से एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने हाथ से different different shadows बना रहा है, ठीक है, परछाइयाँ बना रहा है, तो वो क्या है कि shadows तो हैं बेटा, लेकिन वो क्या लग रही है कि जैसे किसी जानवर की या किसी पक्षी की परछाइयाँ हैं, इस तरीके से बनाई हैं. ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जानवर या परछाई से ये अंदाजा लगता है कि ये किस की परछाई हो सकती है. ठीक है, या तो वो जानवर की हो सकती है या फिर पेड़ पौधों की या इंसानों की परछाइयों से उसका अंदाजा लगाया जाता है कि ये किस चीज़ की है. ओके. एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर ऑन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे. सनी डे में धूप जब बहुत ज़्यादा होती है, सनी डे में धूप होती है ना, तो धूप जब बहुत ज़्यादा हो तो चेयर लेके आप बैठिए. ओके. ओके, तो आपने क्या करना है, शेडो सनी डे में अपनी चेयर डाल के बैठना है. व्हाई डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर. चेयर डाल देनी है, चेयर डालते हो तो चेयर की शेडो कैसे दिखाई देगी. डज द शेडो गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर. क्या शेडो एक्यूरेट पिक्चर देती है चेयर की, बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर देगी, शेप देगी. ठीक है, इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल हाउ डज द शेडो ऑफ द, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज. शेप ऑफ द शेडो कैसे चेंज करी जा सकती है, तो चेयर को उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आप रखोगे तो उसकी शेडो भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती चली जाएगी. टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो. अब एक नोटबुक ले लो, उसकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके उसकी शेडो को नोटिस करो कि हर जो ऑब्जेक्ट्स होती है बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट के हिसाब से पिक्चर नहीं बनती है, शेडो नहीं बनती है. शेडो कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट बनती है, कभी बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी. अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा था, एक्टिविटी देखा रखी थी कि हाथ जो बना रखे थे, हाथ से शेप बना रखी थी और उनसे शेप से क्या बना दिया, बर्ड्स बना दिए, एनिमल्स बना दिए. ठीक है, एक्चुअल पिक्चर हमारे को वापस जो एक्चुअल चीज़ होती है वो दिखाई नहीं देती, हमें क्या दिखाई देगी, केवल शेडो ही दिखाई देगी. और शेडो के लिए क्या होना चाहिए, एक कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर शेडो बने. अब ये खाली जगह है, इस पर शेडो नहीं बनेगी, पीछे दीवार पे बनेगी या फिर नीचे बनेगी शेडो. ओके बेटा, तो शेडो बनेगी हमेशा उसके किसी स्पेस पे बनेगी, सरफेस पे बनेगी, ब्लैंक में शेडो नहीं बनती. ओके बेटा, इस चैप्टर को इसके बाद अच्छे से आप रीड कर लेना इतना, और आगे फिर हम करेंगे. ओके.